नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर चीजें जैसी दिखाई देती हैं, वास्तविकता में भी वैसी ही हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सीधी दिखने वाली घटना सीधी ही हो, उसके पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसे ही रहस्यों और जालसाजियों का अंबार है आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का 21, जहां भरोसा, कर्तव्य और उम्मीद जैसे शब्द मानो दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखते थे, और अतीत कुछ और ही भयावह कहानी कह रहा है। मैं ये देना आधा किलो और गोभी कैसे थी? हाँ हाँ हाँ, हो गया। बच्ची क्यों रो रही है इतनी? आपसे ना एक बच्चा संभाला नहीं जाता। इतना भड़क क्यों रही हो? मुझे क्या बच्चा संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है? पहली बार बाप बना हूँ, टाइम तो लगेगा ना। मैं तो जैसे पैदा होते ही माँ बन गई थी ना। नहीं नहीं, ये लो पैसे दो। अरे वाह, क्या देख रहे हो? पैसे दीपक, क्या देख रहे हो? चलो ये लो। बहुत भूख लगी है ना तुझे? हाँ। ये ले खाना, ले खा। अरे क्या हुआ? अरे खाना खा। आपने जितना पैसा मांगा मैंने दिया आपको, बस अब मेरा प्रोजेक्ट पास करवा दो आप। समझ लो आपका प्रोजेक्ट पास हो गया, अब आप जाके काम की तैयारी शुरू करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब अभी तुम बाहर थी, अचानक से यहाँ? हाँ, तो मुन्नी ने सुसु कर दी तो उसके कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े लेने आई हूँ, लेकिन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? नहीं बस यूं ही अचानक से तुम्हें देख लिया तो। देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को कहीं बाहर चलते हैं ना, खाना भी बाहर खा लेंगे। ठीक है, मैं ऑफिस से निकलते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, तुम रेडी रहना, पिकअप कर लूंगा। अरे आप गाड़ी नहीं लेकर जा रहे, ऑफिस कैसे जाएंगे? बहुत ट्रैफिक होता है, घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए मेट्रो से चला जाऊंगा, 10 मिनट में ऑफिस। ठीक है, शाम को मिलते, बाय। ऑटो ऑटो द
दरवाजा खोलो आई, कोई तो दरवाजा खोलो। ये तेरे लिए नहीं है, तेरा खाना ये है, ले खा ले, खा। भूख लगी है ना तुझे, खा ये चूहा खा। देख मैं लेके गई ना तो वो भी नहीं मिलेगा तुझे। भूख लगी आई। गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं, अचानक से ब्रेक लग गया। अब कहाँ चले गए थे? आपको पता है माजी ने मेरे साथ बहुत। घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। राखी मैं हूं ना, चलो चलो। आप मुझे स्टोर रूम में क्यों लेके आए? हम अपने बेडरूम में जाते हैं। हाँ आप चलेंगे चलेंगे, पर उससे पहले मुझे आई से बात करनी होगी, उनका गुस्सा शांत करना होगा ना, ताकि वो दोबारा तुम्हारे साथ ये सब नहीं करे। मैं आई को मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक तुम यही रुको स्टोर रूम में, ठीक है? अब नागेश मुझे मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज मुझे मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए जरूर कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा, ठीक है? पक्का पक्का। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है?
पापा को तो मूड ही नहीं ऑफिस जाने का। पूछो पापा से क्या बात है, अब तक आप घर पर ही हैं? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। देखिए अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए, बात करने से मन हल्का हो जाता है। बताइए। सुनंदा कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, दो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, घर के आसपास भी मैंने उन्हें देखा है। यहाँ पे सो जा बेटा। क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? हाँ। ऐसे कैसे कोई आपको परेशान कर सकता है? तो कोई आपको परेशान कर रहा है इसलिए आप ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हाँ चलिए आप मेरे साथ, मुझे दिखाइए कौन है वो। चलिए माँ जी आप जरा मुन्नी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। चलिए 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 देखते कौन देख रहा है। कहाँ से देख रहा था? हाँ आइए आइए देखते। अरे आइए, कहाँ पे है बताइए, कौन है, कहाँ है? कोई है? कोई भी नहीं है आसपास। अब खामखा टेंशन ले रहे हैं। ये लीजिए ये सब आपका वहम है, कोई नहीं है आसपास। आप एकदम रिलैक्स होके ऑफिस जाइए। रिक्शा जाइए जाइए बैठिए। देखिए ज्यादा मत सोचिए, हाँ शाम को मिलते हैं, बाय। उठो, ये क्या? आई से छुप कर तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। कैसी हालत हो गई हमारे फैमिली की, लेकिन ये सब ना तुम्हारे बाबा की वजह से हुई है। अगर वो पैसे दे देते ना तो ये सब नहीं होता। अब पहले मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ मिर्च है। अरे कैसी बात कर रही हो, इसमें मसाला भी है ना, हलाल तीखा टेस्टी। अरे खाओ ना खाओ। नहीं मैं सिर्फ रोटी खा लेती हूँ। सिर्फ रोटी नहीं मिलेगी, ये मिर्च वाली सब्जी भी खानी होगी तुझे। अरे मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ ना तुम्हें। रुक रुक हाँ नहीं। एक लड़की जिसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जुल्म सह रही है। दूसरी तरफ एक रहस्य ये था कि दीपक का पीछा करने वाले वो लोग कौन थे और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? क्या ये किसी तूफान के आने की कोई आहट थी? क्या दीपक, सुनंदा और राखी का आपस में कोई वास्ता था? और अगर हाँ तो ये दोनों कहानियां किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हो सकती थी? रुको, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हो? इनकम टैक्स वालों ने भेजा है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कुछ नहीं चाहिए तो मेरा जीना क्यों हराम कर रखा है तुमने? ए, अपने बाप के उम्र के अंदर हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं तुझे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मेरा पीछा करते वक्त तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो वरना यही है। तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरे अपने बुरे दिन चल रहे हैं। क्या करो, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है वो? ए, ज्यादा ज्ञान मत बांट, चल अपना काम कर। सर हमें क्या इसकी तरह मजबूर समझ के रखा है? क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? अरे छोड़ो छोड़ो, सांप को क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हारे सांप को पहले बताओ, बड़ों से बात करने का तो तरीका ही नहीं है। बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं, इसकी तमीज नहीं है। ऐसे ही एक आदमी से टेटी में हो गई, उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा।
मतलब अब तुम मवाली लोगों के साथ मवाली बनोगे, सड़क पर मारपीट करोगे? अगर वो मुझ पर हाथ उठाए तो मैं भी उस पर हाथ उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए अब दीपक, मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हारे पार्टनर को उतना सबक सिखाया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा? मेरी नहीं अपनी परवाह करो, तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो वो एक नंबर की कमीनी औरत है, एक ना एक दिन वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। मेरी बीवी के बारे में बकवास भी की ना तो यही गाड़ दूंगा, और याद रखना आइंदा से मेरे आस पास भी मत दिखना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रुको, मैं भी आती तुम्हारे साथ। ये ले जी मर्जी। क्यों? वरना वापस किसी से झगड़ा करके आ जाओगे। नहीं करूंगा, तुम टेंशन मत लेना। पिछली बार भी यही कहा था तुमने, पर झगड़ा करके आ गए ना। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। सुनंदा सही कह रही है, ले जाओ इसे अपने साथ। ठीक है, लेकिन गाड़ी से लेट हो जाएंगे, मेट्रो से चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी से ही जाएंगे, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। मैं गाड़ी चलाऊंगी और तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगी। चलो चलो माँ जी, आती हूँ मैं। लता क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो तुम? देखते जाना, आज मैं सारा हिसाब किताब बराबर करके रखूंगी। सुनंदा तुमने ये क्या किया? लता वही औरत है जो मेरा पीछा कर रही थी। अरे क्या कर दिया, अरे पागल आदमी, अरे पी के चला रहा क्या गाड़ी? नहीं वो, अरे उसके पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलो, चलो चलो भाई हॉस्पिटल हॉस्पिटल। जरा प्लीज वेट कीजिए। बाहर चोट के निशान नहीं है मगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इसलिए केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ठीक है डॉक्टर, आप दोनों में से गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो औरत ही गाड़ी के सामने अचानक से आ गई। आप उसे पहचानते हैं? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नशे में गाड़ी चला रहे थे? नहीं सर, वैसे तो मैं ऑकेजनली लेता हूँ लेकिन दिन के वक्त बिल्कुल नहीं। देखिए आपके कहने से तो हम मान नहीं जाएंगे, आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तावड़े सर, इनको ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाओ। आड़ी मैडम। यस सर। इनसे इनकी सारी डिटेल्स लो, ब्लड और डिटेल्स देने के बाद आप लोग घर तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जाइए। पाटिल सर, जरा एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके देखो कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, और आसपास के लोगों से पूछताछ भी करो एग्जैक्टली हुआ क्या। ओके सर। अभी मम्मा आ जाएगी मेरे बाबू। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बहुत अच्छा। कब से फोन लगा रही थी लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे थे।
मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला। और मेरे कार से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ तो उसे हॉस्पिटल में लेके गए, वहीं पे टाइम लगा। सब कुछ ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, टेंशन देने की जरूरत नहीं है माँ, वो ठीक है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं मम्मी को दूध पिला के आती हूँ। दीपक, तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि वो औरत तुम्हें परेशान कर रही थी? अगर ये बात मैं उन्हें बता देता तो उन्हें जरूर यकीन हो जाता कि ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया हुआ है। और एक बात, तुमने अगर ब्रेक टाइम पर लगाया होता ना तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। सर, जिस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मौत हो चुकी है सर। और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब जगह पता करो कि इस हुलिया और उमर से मिलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। अगर कोई पहचान करता है तो उसको बॉडी हैंड ओवर करो। ठीक है सर। और सर, जिस आदमी की गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ था मैंने उसके बारे में पता किया है, उसका नाम दीपक बोरकर है और पता चला है कि वो एक करप्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर है। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का केस है। कोई एविडेंस हाथ लगा है क्या तुम्हारे? सर, फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सर कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है हमारे पास। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं है? क्योंकि सर, जितने कॉन्फिडेंस से उसने एक्सीडेंट वाली बात कही थी उतने ही लो कॉन्फिडेंस से उसने ये बात कही कि वो उस बूढ़ी औरत को नहीं जानता। और सर, बातों ही बातों में उसने अपनी बीवी को लुक दिया था, उसके बाद वो काफी घबराया हुआ था। सर मुझे लगता है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो उस बूढ़ी औरत को पहले से जानता था और ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था? सर, आप यहाँ क्या हुआ? एक खबर देनी थी आपको। आपकी गाड़ी से जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, इसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। देखिए, आप शांत हो जाइए, अगर कुछ हुआ है तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो हमारे लिए उस औरत की पहचान होना जरूरी है। आप वाकई नहीं जानते थे उसको? आइंदा से मेरे आसपास भी मत दिखना। चलो निकलो यहां से, निकलो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। और सर, तुम्हारा शक सही निकला, ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर, इसका अल्कोहल टेस्ट तो निगेटिव निकला है लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। पाटिल सर, उस बुजुर्ग औरत की फोटो लेके इस सारे एरिया में पूछताछ करो, देखो कोई उसे पहचानता है क्या, क्योंकि इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी उसकी पहचान होना है। और पवार सर, दीपक के ऑफिस के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स और चाय की टपरियां हैं जरा वहां पूछताछ करो, क्योंकि अगर ये अंडर द टेबल रिश्वत लेता है तो जरूर वहां के किसी रेस्टोरेंट या टपरी का सहारा लेता होगा। पता करो कि वहां किसी ने उस औरत को देखा है क्या। ठीक है सर। एक रहस्यमय बुजुर्ग जोड़ा जिसमें से एक औरत जान गंवा चुकी थी और आदमी सामने होते हुए भी बेनाम और लापता था। दीपक का पीछा करने वाले वो लोग कौन थे और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? हर पल नई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही थीं जो पुलिस की तहकीकात को चुनौती दे रही थी। सुनो। हाँ साहब। इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो अपना दीपक साहब है, यहाँ म्यूनसिपलिटी में ऑफिसर है, यहाँ आते हैं ना चाय पीने के लिए, उनको यहाँ की चाय बहुत पसंद है सर।
पर क्या हुआ है साहब? मतलब कहीं पैसे वगैरह लेते समय पकड़े गए क्या? इस औरत को देखा है कभी यहाँ पे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले दीपक साहब चाय पी रहे थे, तभी ये औरत आई थी, उनसे झगड़ा हो गया था। मेरे बीवी के बारे में बकवास भी की ना तो यही काट दूंगा। और याद रखना, आइंदा से मेरे आस पास भी मत दिखना। अच्छा, क्या बता सकते हैं झगड़ा किस बात पे हुआ? पता नहीं साहब। सर आप तो कह रहे थे ना कि रूटीन इंक्वायरी है, तो यहाँ क्यों? क्या हुआ भाई, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। आपको पता चल गया क्या कि आपका झूठ पकड़ा गया? झूठ? कैसा झूठ? यही कि आप उस बुजुर्ग औरत को पहले से जानते थे, आपने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, और आखिरकार ये एक्सीडेंट का नाटक करके आपने उसे मार दिया। चल बता, कैसे जानता था तू उससे? क्या रिश्ता था तेरा उसके साथ? मार! सर मैं नहीं जानता कुछ, बल्कि वो औरत ही मेरा पीछा कर रही थी, वो ही नहीं उसके साथ और एक बुजुर्ग आदमी भी था। वो एक नंबर की कमीनी औरत है, एक ना एक दिन वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरे अपने बुरे दिन चल रहे हैं। कौन है वो आदमी? सर मैं नहीं जानता, मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा, और एक्सीडेंट मैं कैसे कर सकता हूँ, गाड़ी तो मेरी बीवी। तो फिर हमसे झूठ क्यों बोला? हाँ? वो बीवी को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। मैं उन दोनों के बारे में नहीं जानती सर, दीपक ने मुझे कुछ कभी बताया ही नहीं। अगर उस औरत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है तो फिर वो ये क्यों कह रही थी कि तुम इसे बर्बाद कर दोगी? मैं नहीं जानती सर वो औरत ऐसा क्यों कह रही थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं सर। मैंने दीपक को कभी दुखी नहीं किया, आप चाहिए तो दीपक को पूछ सकते हैं सर, पूछिए। जब एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी तुम चला रही थी? जी सर, मैं चला रही थी गाड़ी, पर सर मैंने जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे को भूख लगी, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उस आदमी का स्केच बनवाना। सर दीपक ने जिस बुजुर्ग आदमी का हुलिया बताया था उसे ये स्केच बनाया सर। अब दीपक कितना सच बोल रहा है और कितना नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब हमें ये मिल जाएगा। दीपक ने जहां जहां इसको देखा था वहां पूछताछ करो, देखो इसके बारे में कोई क्लू मिलता है तो। ठीक है सर। पुलिस ने दीपक के खिलाफ रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज किया, पर क्योंकि दीपक का अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया था और एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह भी सामने नहीं था, इसलिए दीपक को अपने वकील के जरिए फौरन जमानत भी मिल गई, लेकिन केस अब भी चल रहा है। आई बताओ ना इसका क्या करना है, मुसीबत बन गई ये लड़की। कैसे माँ बाप है इसके, बेटी को छोड़ के गायब हो गए। अब तुझे तो ठीक लगे ना वो कर। पंडित जी, आपने इस आदमी को कभी मंदिर आते हुए देखा है क्या? इसे तो मैंने कई बार मंदिर में देखा है, वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर एक ही बात रटता रहता है कि भगवान मुझे उसे बर्बाद करने की शक्ति दे। मैंने पूछा भी एक बार इससे,
कि तू क्या बोलता रहता है, प्रश्नों का जवाब है। एक काम कीजिए, ये आदमी जैसे ही यहाँ पर आता है आप मुझे तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। जी चल। एक बात पूछूं तुमसे, कहीं ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए तो नहीं कर रहे? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। क्योंकि जब पति का मन अपनी बीवी से भर जाता है तो वो बाहर अफेयर करने लगता है, और तुमने तो इससे पहले भी एक बार किया था ना। देखो वो मेरी गलती थी और मैं मान चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें मुझे हर वक्त सुनाओगी और भाई परेशान करोगी। मैं बातें सुना रही हूँ? मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। याद करो, जब तुम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हारे बॉस के साथ सोकर तुम्हें छुड़वाया था, सब कुछ बताया ना तुम्हें अपने बारे में। मेरे पहले पति ने मुझे कितना परेशान किया, कितना सताया था, सब बताया था तुम्हें मैंने। फिर भी तुम जानबूझ के मुझे इस मुसीबत में फंसाना चाहते हो, है ना? और किस लिए? क्योंकि तुम्हारा बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सुनंदा, सुनंदा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ये ऐसी घड़ी है जहां हमें एक साथ रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, अब तू हमारे कुछ काम की नहीं रही। तेरा बाप खुद गायब हो गया तो पैसा कौन देगा? हाँ, इसलिए हमने तय किया है कि हम तुझे मुक्ति दे देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मर्दों के लिए अगर हम अपनी जान भी दे देना तो ये हमारी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वो खुद से प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अपने आपको कभी अकेला मत समझना बेटा। ये सब क्या हो गया बाजी हमारे साथ, पता नहीं किसकी नजर लगाई हमारे घर को। फिक्र मत कर, हम लोग कल मंदिर चलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में शांति बनाए रखे। सर, दीपक ने जिस बूढ़े आदमी का स्केच बनवाया था उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है सर। वो इसके सामने सारे थाने में सर्कुलेट भी करवाई लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली सर। पर इस बूढ़े कपल का दीपक और उसके परिवार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और दीपक का परिवार जानबूझ के हमसे सच्चाई छुपा रहा है। सुरेखा ताई, सुरेखा ताई, घर में है क्या? सुरेखा ताई, कोई है घर में? अरे कौन है, कौन हो?
बाजूला आप लोग पिछाड़ी तिथे बघा तिथे मागे काय मिळते का इथे बघा सर इसके हाथ की नस कटी हुई है लेकिन आसपास कहीं भी खून के निशान नहीं है लेकिन ये देखिए सर लगता है इसका गला घोट कर मारा गया है क्योंकि गले पे ये निशान है कौन है ये नहीं नहीं पता आपके घर के कंपाउंड में एक लड़की की लाश मिलती है आप वाकई में इसको जानते नहीं है सच में नहीं जानते हम और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो ठीक है सर आपके परिवार के साथ एक के बाद एक घटना घटती जा रही है पहले वो एक्सीडेंट और अभी ये मर्डर आप अभी बताना चाहेंगे कि कौन और क्यों ये सब कर रहा है सर बताए तो तब ना जब हमें कुछ पता हो पर सर हमें कुछ पता नहीं हम तो खुद मंदिर गए थे घर की शांति की प्रार्थना करने के लिए तो यहाँ ऐसा कुछ होगा ये तो हमें पता ही नहीं था इस मोहल्ले में और भी तो घर है ना तो फिर इतने सारे घर छोड़ के लाश आप ही घर के बाहर क्यों मिली देखिए आपके इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है दीपक और सुनंदा अपने खुशहाल जिंदगी में अचानक आए इस भूकंप से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और हादसा हुआ मुंबई में रहने वाले दीपक और सुनंदा के घर के बाहर राखी की लाश मिली जो पूना में रहती थी आखिर राखी को किसने और क्यों मारा या फिर उसने खुदकुशी की थी एक सवाल यह भी था कि राखी की लाश दीपक के घर कैसे पहुंची या फिर जानबूझकर वहां पर रखी गई थी आपके घर की तलाशी लेनी है तलाशी आप ऐसा कैसे ले सकते हो तलाशी आप बिना सर्च वारंट के आप तो तलाशी ले ही नहीं दिखाओ पवार सर्च वारंट दिखाओ देख लिया सर ये देखिए बाथरूम से हमें ये फ्लैट के पेपर्स ये चाबी और ये इतने ढेर सारे पैसे मिले इस फ्लैट के बारे में आप लोगों को जानकारी थी ये फ्लैट मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया था इसलिए इन्हें नहीं पता और ये फ्लैट बिल्कुल खाली है वो हम पता कर लेंगे उसके लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात याद रखना ये फ्लैट और ये पैसे इन दोनों का हिसाब देना होगा तुम्हें कोर्ट में पवार उस लड़की की फोटो महाराष्ट्र के सारे न्यूज़पेपर्स में छपवा दो हो सकता है कोई पहचानने वाला मिल जाए ठीक है सर तुम सचमुच नहीं जानते उस लड़की को जिसकी लाश मिली थी या तो हमसे कुछ छुपा रहे हो वही और फ्लैट उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं जानते तुम मुझे सब समझ में आ गया तुम्हारा उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और तुमने वो फ्लैट उस लड़की के लिए ही लिया था है ना तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर न्यूज़पेपर में देखकर पुणे के कुछ लोगों ने उस लड़की की शिनाख्त कर ली है उसका नाम राखी था और वो सोमवार पेट की रहने वाली थी पुणे में रहने वाली लड़की की लाश मुंबई में दीपक के घर के कंपाउंड में मिलती है पर ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हमें एक टीम को पुणे भेजना होगा सर कैसे दिए भैया
ये क्या बैग क्यों पैक कर रही हो? मैं कुछ दिनों के लिए मुन्नी को लेकर माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगने लगा है अब यहाँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज कोई आदमी मेरा भी पीछा कर रहा था। आदमी पीछा कर रहा था? मेरे वो तो वही आदमी होगा ना, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। कब पकड़ेगी उसे पुलिस और कब पकड़ेगी उस लड़की के कातिल को? अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती दीपक, मैं जा रही हूँ मुन्नी को लेकर आई के पास। देखो सुनंदा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। चाहो तो तुम सुबह चले जाना, मैं छोड़ाऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात। सर, राखी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हाथ की नस कटने की वजह से हुई थी, और उसका गला भी दबाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उसके गले पे निशान है। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसको काफी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था, क्योंकि उसके पेट में केले के छिलके और लाल मिर्च मिली। और सर, बॉडी पे छोटे मोटे चोट के निशान है, जो कि 3 से 4 दिन पुराने हैं। ये तो साबित हो चुका है कि राखी को काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, उसके हाथ की नस उसने खुद काटी या किसी और का काम है? क्योंकि जहां मैं उसकी बॉडी मिली वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। और ये केस एक्सीडेंट से शायद मर्डर तक पहुंच चुका है। हमें उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे जो इस केस को पेचीदा बना रहा है। पुलिस की जांच का दायरा मुंबई से पुणे जा पहुंचा था, लेकिन इस दायरे में सवाल बढ़ते जा रहे थे। कौन थे वो दोनों बुजुर्ग जो पहले दीपक और फिर सुनंदा का पीछा कर रहे थे, और क्यों? और क्या राखी की मौत और बोरकर परिवार का आपस में कोई संबंध था? और ये लड़की कौन थी जिसकी लाश को कोई रात के अंधेरे में जला रहा था? और पुलिस को उन सारे रहस्यों का पर्दाफाश करना था जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे। और सभी वही आदमी है जिसने न्यूज़पेपर में फोटो देखकर राखी को पहचाना था। अच्छा अच्छा, ये राखी रहती कहाँ थी? सर, उस घर में। सर, पुलिस है, पुलिस। जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए। हमें आपके बहू राखी के बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी है। उसकी मौत हो चुकी है। क्या? क्या? जी, अब ये मर्डर है या उसने सुसाइड किया है ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई। अरे देवा, ये क्या हो गया? मेरा दिल घबरा रहा था, जरूर कुछ ना कुछ होगा। चली गई। देखिए, उसकी मौत से पहले उसके साथ काफी टॉर्चर हुआ है, काफी दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब, वो बहुत बीमार थी, मैंने अपने हाथों से उसका खाना खिलाया। भूख लगी है ना तुझे? खा, ये चूहा खा। लेकिन खाने में से उसका मन ही उड़ गया और ये ऐसा हो गया। ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? बाथरूम में गिर गई थी, इसने चोट लगी। शिंदे साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये औरत हमसे कुछ छुपा रही है। अगर इसने वाकई राखी के साथ कुछ किया है तो ये हमें कुछ बताएगी नहीं। एक काम करते हैं, इसके पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। अरे साहब, एक नंबर के लालची लोग थे साहब वो। दहेज के नाम पर बिचारी पर बहुत अत्याचार करते हैं, उनके घर में रोज झगड़ा भी होता था साहब। अरे साहब, मैंने तो वीडियो भी बनाया है, ये देखिए। हर्षा ताई बेचारे को रोज मारती थी। आप लोगों के अंदर इतनी समझदारी है कि जब किसी औरत पे अत्याचार होता है तो आप उसका वीडियो बना लेती हैं, लेकिन इतनी समझदारी नहीं है कि पुलिस में इन्फॉर्म कर दें। नहीं साहब, समझ तो थी लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी?
मतलब? हमने हर्षा ताई से कर्जा लिया है, अगर उनकी कंप्लेन कर देते तो पैसा वापस मांग लेती। साहब वो अपनी बहू को इतना मारती थी तो हमें भी जिंदा छोड़ती क्या? ये देखो, दहेज तो तुम्हें नहीं मिला लेकिन उसका इनाम मिलने का टाइम अब आ गया है, और तुम्हारे जैसे लोगों को इनाम देने में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। चलो ले साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे छोड़ो, कुछ नहीं किया। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, कुछ नहीं किया। अरे कुछ, अरे ऐसे क्यों? चल बोल क्यों मारा उसे, बोल क्यों मारा उसे। साहब हमने उसे नहीं मारा साहब। साहब ये बात सच है कि हम उसे पैसों के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे, उसे खाना नहीं देते थे, लेकिन साहब इससे पहले भी वो भागने की कोशिश कर चुके हैं साहब। मैंने खुद उसे पकड़ा था साहब। साहब मैंने उसे मिर्च खिलाई थी साहब, लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि वो हमारे किसी काम की नहीं है, तब हमने सोचा कि उसे छुटकारा पाते हैं साहब। इसके पहले कि हम उसे कुछ कर पाए वो खुद भाग गए थे साहब। अभी अभी आपसे ही पता चला कि वो मर गई साहब। पाटिल सर, इस आदमी को पहचानते हो? नहीं नहीं साहब। ये दोनों खुद को बचाने के लिए अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने करियर में से बहुत कमीने देखे हैं, हम इनसे भी राखी के खून का सच उगलवा लेंगे। शिंदे साहब, अगर इन लोगों ने वाकई में राखी का खून किया होता तो वो उसकी लाश को पुणे में ही कहीं ठिकाने लगा देते। पुणे से उसकी लाश को मुंबई में ले जाके दीपक के घर के कंपाउंड में रखना, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते वो। आपका मतलब है कि वो इनके टॉर्चर से बचकर भागी थी और शायद किसी और ने खून कर दिया? शायद हाँ, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है जिसने राखी का खून किया? साहब मैंने आपको फोन किया था, लाश वहां पे पड़ी है, आइए। देशमुख, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, इसे इसलिए जलाया गया होगा ताकि इसकी पहचान ना हो सके। आसपास देखो कहीं कोई मोबाइल फोन पर्स वगैरह मिलता है क्या? यस सर। जरा तो मंगलसूत्र काढ़ो मैडम। सुनंदा को फोन किया, वो ठीक से पहुंच गई? कल रात फोन किया था तब वो उसके माँ के घर पहुंचने वाली थी। उसके बाद मैंने फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसका मतलब तूने सुबह से एक भी फोन नहीं किया? कम से कम फोन करके पूछना तो चाहिए वो ठीक से पहुंची या नहीं। हर वक्त नहीं कि उसे फोन करूं, वो नहीं फोन कर सकती। हर बात में अपनी मर्दानगी को बीच में मत लाया कर, फोन करके पूछो, कर फोन। अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, उसके घर लैंडलाइन पे फोन करके पूछ। हाँ माँ जी, दीपक बोल रहा हूँ, सुनंदा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जरा उसे देंगी क्या? लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर, सुनंदा और मेरे बच्चे कल रात से गायब है। कल रात वो अपने मायके जाने के लिए निकली लेकिन उसके माँ का कहना है वो कल रात घर पहुंचे ही नहीं। रात को कितने बजे निकले थे? यही 8-8:30 के आसपास। सुनंदा की माँ का घर कहाँ है? माधव नगर। तो आप उसे छोड़ने क्यों नहीं गए? सर घर पास में ही है तो अक्सर वो अकेले चली जाती थी। आपका और उसका कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं सर। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती है क्या? आपके साथ लगातार कोई ना कोई हादसा हो रहा है। कल रात को जब आपकी बीवी घर से गई उसके बाद आप घर पर ही थे? हाँ मैं घर पर ही था, कहीं नहीं गया, बल्कि मैंने उसे 2-3 बार फोन करने की कोशिश भी की। उसका फोन बंद आ रहा था। आपको पता था कि सुनंदा आपके पास आ रही है? जी हाँ, उसने फोन करके मुझे बताया था।
तो जब सुनंदा आपके पास नहीं पहुंची तो आपको नहीं लगा कि दीपक को फोन करके पूछना चाहिए कि सुनंदा क्यों नहीं पहुंची? साहब मैं उसका यहाँ घर पर इंतजार कर रही थी, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दवाइयाँ ले रखी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मैंने उसे तुरंत फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। साहब मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी, आप उन्हें ढूंढ दीजिए। देखिए आप घबराइए मत, उन्हें ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर सहकारवाड़ी में जिस लड़की की जली हुई लाश हमें मिली थी ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की मौत सर पर किसी भारी चीज से वार करने और काफी खून बह जाने की वजह से हुई है। एक बात और सर, लड़की को मारने के बाद उसकी लाश को जलाया गया है। मौत का टाइम है 8:30 से 10:30 रात के। देशमुख सुनंदा के घर से निकलने का टाइम और इस मर्डर का टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम है, और ये सहकारवाड़ी दीपक के घर और सुनंदा की माँ के घर माधव नगर के बीच में पड़ता है, और सुनंदा का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय? तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? मैंने तुम्हें देखा है सुनंदा के घर के बाहर जाते ही तुम भी उसके पीछे बाहर निकले थे। वो तो मैं बस यूं ही टहलने के लिए गया था और 10 मिनट के बाद वापस भी आया। इन गहनों को पहचानते हैं? ये तो सुनंदा के गहने हैं। सुनंदा के गहने। मेरा बच्चा भी उसी के साथ था। हाँ मेरा बच्चा भी उसी के साथ था। कहाँ है वो? उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती, ये सारी मौतें आपके आसपास ही क्यों हो रही हैं? आपका कहना है कि ये सब मैं कर रहा हूं या मेरी वजह से हो रहा है ये? देखिए हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और आप यहां आकर हमें और परेशान मत कीजिए। देशमुख इन दोनों पे नजर रखो, पता करो इन्हें सच में दुख हुआ था या नाटक कर रहा है, और जरा आस पड़ोस में पूछताछ करो, पता करो ये खुशहाल फैमिली आखिर कितनी खुशहाल थी। सर पिछले कई दिनों से इस घर से झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी बहुत। सुनंदा को शायद शक हो गए थे दीपक पे कि उसका कई बार चक्कर शुरू है, और हाँ उसने पहले भी एक बार दीपक का चक्कर पकड़ा था इसलिए वो दीपक पर विश्वास नहीं करती थी। और हाँ सर ये दीपक जितना शक्ल से भोला दिखता है ना उतना वो है नहीं, बहुत चैप्टर है वो। सर दीपक के पड़ोसियों से मिली जानकारी से तो ऐसा लगता है कि वो सुनंदा का खून कर सकता है उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। देशमुख अगर उसे सुनंदा को मार के उसकी लाश को जला के सुनंदा की पहचान मिटानी थी तो उसके गहने क्यों पहचानता? सर ये केस उतना सीधा लगता नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। एक बात और सर, हालांकि इस बात का उस केस से कोई लेना देना तो नहीं है, पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। सर कल रात को एक औरत आई थी यहाँ पुलिस स्टेशन में। साहब साहब सुनो ना साहब, मेरी बेटी कल से गायब है साहब, कॉल सेंटर की नौकरी पर गई थी, अब तक वापस ही नहीं आई, बहुत चिंता हो रही है उसकी। आप घबराइए मत, आप हमें उसका नाम कॉल सेंटर का एड्रेस उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर, ये फोटो उसकी सब। उस लड़की का नाम मनीषा है। सर सर मैंने उस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, और सर इसके मुताबिक मनीषा के मोबाइल की लोकेशन कल रात को 9 बजे सहकारवाड़ी दिखा रहा है, और मनीषा इसी रास्ते से कॉल सेंटर आती जाती थी। ये देखिए सर, पहले एक बुजुर्ग औरत की मौत, फिर राखी की मौत, और उसके बाद सुनंदा के कत्ल से होता हुआ ये केस अब मनीषा की गुमशुदगी तक आ पहुंचा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि बाहर से देखा जाए तो किसी का किसी के साथ कोई संबंध पुलिस को नहीं मिला था,
लेकिन क्या वाकई में सुनंदा की हत्या और मनीषा के गायब होने का आपस में कोई संबंध नहीं था? और अगर था तो ये संबंध क्या हो सकता था? साहब मेरी बेटी मनीषा का कुछ पता चला क्या साहब? देखिए फिलहाल तो पता नहीं चला पर चल जाएगा। अच्छा ये आप इन दोनों को जानती हैं? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा इन दोनों को साहब। शायद मनीषा जानती हूँ, उसके दोस्त वगैरह हूँ। नहीं साहब, मनीषा के सभी दोस्तों को मैं अच्छे से जानती हूँ साहब। इन दोनों को तो पहले कभी नहीं देखा साहब। कौन है साहब ये दोनों? अजीब बात है देशमुख, हमें मिलने वाली हर लीड दीपक की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन राखी के साथ या मनीषा के साथ उसका कोई भी कनेक्शन हमें नहीं मिला और ना ही अब तक हमें उसके बच्चे के बारे में कोई लीड मिली है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक सुनंदा से छुटकारा पाना चाहता हो, या उसने खुद ही सुनंदा को ठिकाने लगा दिया, या उसकी सुपारी दी हो। नहीं देशमुख, जिस तरह उसके घर के बाहर लाश मिली है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत करेगा। और हमारे लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि उसका बच्चा कहाँ है, और ये जो जली हुई लाश हमें मिली है वो किसकी है। एक काम करो, सुनंदा की माँ अनुपमा और मनीषा की माँ पार्वती, दोनों का DNA सैंपल लो और बॉडी के साथ मैच करके देखो। यस सर। पवार, राखी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? राखी के घर वाले कहाँ हैं? वो औरंगाबाद में रहते। फैमिली में कौन कौन है उसके? माँ बाप है सुधाकर मोहिते और गिरीश मोहिते, और उसका एक भाई भी है राजेश मोहिते। राखी के घर वालों ने कभी उसका हालचाल लेने की कोशिश नहीं की? कैसी है, किस हाल में है? नहीं साहब, वो खुद ही 2 साल से गायब है। हम उन्हें पैसों के लिए फ़ोन करते थे मगर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, और बाद में वो भी गायब हुए। हमें राखी के घर वालों का एड्रेस चाहिए। हाँ साहब। हेलो सर, सर राखी के माँ बाप का पता चल गया है, वो औरंगाबाद में रहते हैं। हाँ सर, सर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वहाँ से कोई लीड मिले। ठीक है सर। शिंदे सर, अब हमें औरंगाबाद जाना होगा। ये मकान तो यही है लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पाटिल सर, एक काम करते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं। लगता है घर पे कोई नहीं है। सुनिए। जी सर। बता सकते हैं कहाँ गए? ये तो पता नहीं कहाँ गई, पर हाँ आज सुबह ही पूरा सामान लेकर कहीं चली गई। ठीक है, आप जाइए। हाँ पवार। सर सुनंदा की माँ आज सुबह सामान लेकर कहीं चली गई है, घर पर ताला लगा हुआ है। पवार जितनी जल्दी हो सके पता करो कहाँ गई है। यस सर। पाटिल सर देखो अंदर कोई है तो बुला के ला। जी सर। जी बोलिए, हमारे साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। मैं मोहन पवार, पुलिस सब इंस्पेक्टर मुंबई। नमस्ते। आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे। ये मोहिते फैमिली आपके पास वाले मकान में ही रहती है ना? जी, लेकिन उन्होंने औरंगाबाद बहुत पहले ही छोड़ दिया। शहर ही छोड़ दिया, क्यों? 2 साल पहले उस फैमिली के साथ जो हुआ ना, उससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। क्या हुआ था? उनकी बहू अर्चना, उसने उन पर डाउरी का केस दाखिल किया था। उससे सोसाइटी में काफ़ी बदनामी हुई थी उन लोगों की, और फिर उनका घर से निकलना तो लगभग बंद ही हो चुका था। हमें कहीं से मोहिते फैमिली की फ़ोटो मिल सकती है क्या? जी, वो मेरी बेटी की शादी में आए थे तभी खींची थी हमने एक, शायद मेरे मोबाइल में होगी, मैं देखता हूँ। ये देखिए। क्या आप हमें अपनी बेटी की शादी की एल्बम दिखा सकते हैं? जी, वो मेरे घर पर ही है। आप चलिए ना, कुछ चाय ठंडा। नहीं प्लीज़, आप एल्बम ले आइए। जी। अतीत ने कुछ राज खोले थे जिससे पुलिस की तहकीकात को एक दिशा मिलने लगी थी, उनकी उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन ये सिर्फ डूबते को एक तिनके के सहारे जैसा था। ऊपरी तौर पर पुलिस इस केस को सुलझता देख रही थी, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थी।
समय बीतता जा रहा था और न जाने अभी कितने और चौंका देने वाले सच सामने आने बाकी थे। सर, मनीषा की माँ पार्वती की डीएनए रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक पार्वती का डीएनए उस जली हुई लाश से मैच करता है। देशमुख, मतलब ये साफ हो गया कि वो लाश सुनंदा की नहीं बल्कि मनीषा की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सुनंदा कहाँ है? इस सारे प्लानिंग के पीछे वो तो नहीं है? अगर उसी ने ये सब किया है तो क्यों, क्या मोटिव हो सकता है उसका? आप भी ला रही है? ले, हाँ? ये देखो दूध। कितनी बार समझाया आपको, बच्चे को दूध ठंडा करके देना चाहिए। क्या चाहती है आप, मेरी बच्ची का मुंह जल जाए? हाँ, एक तो तू बच्चा पैदा करके बैठ गई है, बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली है, ऊपर से मुझ पर चिल्लाती है। भगवान से तो डरो, कितने पाप कराए आपने मुझसे, सबका हिसाब होगा एक दिन। कितनी खुश थे मैं दीपक के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदार भी तू है। अरे अब जो कुछ हो गया उसे छोड़। हाँ, अरे अब एक नई शुरुआत कर। ये देख, जतिन पटेल है इसका नाम, बीवी मर गई है इसकी। अरे अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहा है, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? सर, ये देखिए, हाँ ये राखी है, ये इसका भाई राजेश और ये इसकी बीवी अर्चना। मतलब सुनंदा राखी की भाभी है? मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ? जी। आपने फोटो देखी? अब समझ में आ रहा है कि उसने राखी की लाश और अपने सास ससुर को क्यों नहीं पहचाना। मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती सर। क्योंकि इसके पीछे सुनंदा की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मुझे लगता है शायद इन सारे मामलों का राज सुनंदा के अतीत में छिपा है और उसके अतीत तक पहुंचने के लिए हमें राजेश तक पहुंचना होगा। पावर, एक काम करो, राजेश का मोबाइल नंबर निकालो और पता करो वो कहाँ है। ओके सर। बेटा, ये मेरी बेटी सुवर्णा और सुवर्णा ये है जतिन। हाय। बेटा, मैं और सुवर्णा ही एक दूसरे का सहारा है। हम लोगों का कोई नहीं है दुनिया में हमारे सिवा। वैसे मेरी सुवर्णा बहुत ही समझदार है पर बहुत सीधी भी है, दुनियादारी नहीं समझती। मुझे तो हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि किसी अच्छे से इंसान से इसकी शादी हो जाए। समझो आपकी सारी चिंता आज से खत्म होगी। मुझे सुवर्णा पसंद है, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। सर, हमने सुनंदा और उसकी माँ का फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। देशमुख, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि सारे स्टेट्स में उसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे भी छपवाओ। ये दोनों जल्द से जल्द हमारी कस्टडी में होनी चाहिए। यस सर। सर, राजेश का नंबर टेस्ट हुआ है, वो अभी सातारा में है। सातारा? जतिन से शादी होने के बाद इस बच्ची का क्या करना है, कुछ सोचा है? क्या करना है मतलब? मतलब कि अरे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुझे इस बच्ची से दूर रहना पड़ेगा ना। ला ये बच्ची मुझे दे, अभी से दूर रहने की आदत डाल ले। ला, दूर रहो मेरी बच्ची से। खबरदार मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अरे अरे सुन तो। जय श्री कृष्ण माँ जी, जतिन बोल रहा हूँ।
सुवर्णा से बात हो सकती है? सुवर्णा बेटा, सुवर्णा तो नहाने गई हुई है। एक बहुत अच्छी खबर थी, सोचा था सबसे पहले सुवर्णा को बोल दूं। उसे कहना कि मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने दिसंबर की तारीख निकाली है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, कह रहे थे सालों बाद ऐसा मुहूर्त मिलता है। अरे बेटा, इतना लेट शादी करने की क्या जरूरत है, इंसान अच्छा मिलना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले महीने ही शादी हो जाए, ताकि मैं आराम से गंगा नहा लूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से पंडित जी से बात करके देखता हूँ। हाँ अच्छा, जय श्री कृष्ण। जी कहिए। मुंबई पुलिस, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे वाह, आप भी यही हैं, आपको तो हम कब से ढूंढ रहे हैं। चलिए अच्छा है, पहले आपके बेटे से बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। राजेश, मुझे तुम्हारी बीवी और बहन के बारे में सब कुछ जानना है। अच्छा होगा अगर सीधे तरीके से बता दो, वरना हमें पुलिस वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे। सर, मेरी बीवी अर्चना एक नंबर की कमीनी और घटिया औरत थी, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नाटक करती थी जैसे उससे सीधा और कोई है ही नहीं। आपको नाश्ते में पोहा पसंद है ना, मैंने वही बनाया आज आपके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू। पानी। अरे पिताजी, माँ जी। चीतरो बेटा। अरे खुश रहा, सदा सुहागत रहो। अरे माँ जी, ये क्या कर रही है आप? दीजिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, जाओ तुम जाके आराम करो। मेरे होते हुए आप कैसे काम कर सकती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दीजिए मुझे, दीजिए और आप आराम कीजिए। देखा लता, लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती दान किए होंगे, जो हमें इस जन्म में इतनी अच्छी बहू मिली है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। कुछ महीनों तक उसका यह नाटक चलता रहा और एक दिन उसकी असलियत सामने आई। क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, वो एक सोने का हार बहुत सुंदर सा था, पसंद आया था, वो लेने के लिए पैसे ले रही थी। अच्छा, ये पैसे गोल्ड के नेकलेस के लिए नहीं रखे, इमरजेंसी के लिए रखे, इन्हें गलती से भी खर्च मत करना। बजोड़ो। उसके बाद अर्चना के घर में काम करने वाली लक्ष्मी ने हमें एक ऐसी बात बताई जो सुनकर हमारे होश उड़ गए। क्या बताया उसने? सर, मैंने जब अर्चना को रंगे हाथ पकड़ा था, तब उसके बाद उसने उसकी माँ के साथ मिलकर हमें फंसाने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम राजेश से पैसे निकाल पाएंगे। ये नहीं हो सकता। अर्चना। हाँ। भी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे राजेश, क्या उसका तो बाप भी देगा पैसे, समझी ना? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ है, जल्दी आ। देख लक्ष्मी, देख देख, राजेश और उसके घर वालों ने मेरी बेटी का क्या हाल किया है, कितनी बुरी तरह मारा है। लक्ष्मी मेरी मदद कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो मुझे राजेश से अपनी बेटी को छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। मैडम जी, मदद कीजिए ना हमारी, देखिए ना कितनी बुरी तरह मारा ससुराल वालों ने। इसका पति शराब पी के इसे रोज मारता है और इसकी सास इससे दहेज मांगती है, ना मिलने पर इसे परेशान करे रहती है। मदद कीजिए मैडम जी हमारी। राजेश हाय हाय, राजेश हाय हाय, राजेश हाय हाय। सर क्या हुआ?
आपकी बीवी ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट की है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर साहब, एक मिनट, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ये झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं तुम बोल रहे हो, कोई अपने आप को इतनी बुरे तरह से मार सकता है क्या? देख लो बेटा, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, तुम जानती हो मैंने आज तक तुम्हें कभी बहू नहीं अपनी बेटी समझ के रखा है। हाँ बेटी समझती है, देख रही हो बहनो, देख रही हो ना, अरे मेरी बेटी का सर फोड़ कर कैसा नाटक कर रही है। अरे क्या बोल रही आप? एक मिनट सर, क्या हो रहा है? देखिए आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए और हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। चलिए आप हमारे साथ। सर मेरी बात मानिए, ये झूठ बोले, दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों किया तूने बेटा? राजेश तू भी कहीं कहीं करा ना। लक्ष्मी यहाँ का काम छोड़, अंदर जा, अंदर बहुत धूल है, जब वो साफ कर। ये क्या कर रही है तू? अरे इतनी जल्दी क्या है तुझे जख्म भरने की? ये सब देखकर ही वो लोग तरस खाएंगे तुझ पर। देखिए आपकी बहू ये सब नाटक अपनी माँ के बहकाव में आकर कर रही है, और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तो उस दिन आपने पुलिस के सामने ये सब बताया क्यों नहीं? देखिए मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है, मुझे लगा आपको आके मुझे बताना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे क्या करना है आप लोग सोचो, मैं चलती हूँ। राजेश आपकी बीवी केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांग रही है। क्या 50 लाख? सर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? नहीं दोगे तो जिंदगी तो बर्बाद होगी, ऊपर से जेल जाओगे वाला। पैसा लेने के बाद भी उन्होंने केस वापस नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद अर्चना और उसकी माँ कहीं गायब हो गए। औरंगाबाद में हमारी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि हमें वो शहर ही छोड़ना पड़ा। सर मैं सब कुछ भूलना चाहता था, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन आई बाबा का अर्चना के ऊपर का गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि अर्चना मुंबई में, और वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने इस बात का अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप अर्चना को सबक सिखाने और उससे बदला लेने मुंबई चले गए। अर्चना को फंसाने के लिए जानबूझकर मेरी आई उसके गाड़ी के सामने आ गई, जहाँ उनकी मौत हो गई। और कुछ दिन बाद पता चला कि अर्चना की भी मौत हो गई, और फिर मेरे बाबा भागकर मेरे पास आ गए। और राखी के साथ क्या हुआ? सर हमें पता था उसका पति और सास उसको दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। दादा आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। दादा ये लोग मुझसे दिन रात पैसे मांगते, और दहेज चाहिए। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं सारे पैसे दे दूंगा उनको, फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। दादा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो दादा, नहीं तो मैं खुद भाग जाऊंगी दादा। फिर भागेगी, भागेगी, यहाँ से भागेगी। हेलो 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 राखी, भागने की जरा भी कोशिश की ना तो तेरी ऐसी बदनामी करूंगी ना कि तुझे और तेरे परिवार के पास मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा, समझी? पर मेरे पास पैसे जमा ही नहीं हुए कि मैं मेरी बहन की ससुराल वालों को दे पाऊं। कुछ दिन बाद वो ससुराल छोड़कर भाग गई और उसने मुझे फोन किया। मैंने उसे कहा कि तू आई बाबा के पास जा मुंबई में, और फिर वो आई बाबा के पास चली। इसका मतलब कि मरने से पहले राखी तुम्हारे पास थी, बोझ लगने लगी तो मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ मेरे घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त उसकी माँ के एक्सीडेंट की वजह से मैं पूरी तरह टूट चुका था। देखो बेटा मेरी बात मान, तू अपने ससुराल वापस चली जा। नहीं नहीं बाबा, मैं और उस नरक में नहीं जाऊंगी बाबा। राखी मेरी बात मानो। नहीं बाबा। राखी राखी, आपने अपनी पत्नी के एक्सीडेंट के बारे में उसे बताया था? नहीं सर, वो पहले बहुत टूट चुकी थी, मैं उसे और दुखी करना नहीं चाहता था। दुखी नहीं देख सकते थे इसलिए मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। राखी
राखी दरवाजा खोलो राखी राखी देख राखी राखी बेटा दरवाजा खोलो राखी दरवाजा खोलो देखो हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे राखी मेरी बात सुनो राखी दरवाजा खोलो राखी नहीं बाबा अब आप ले मैं रास्ता निकालूंगी अब अपनों को भी मैं बोझ लगने लगी हूँ वो भी मुझे अपना नहीं चाहते अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी जब उसकी आवाज आनी बंद हो गई तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया राखी बेटा अभी मुझे अस्पताल से एक वार्ड बॉय का फोन आया हेलो मैंने एक वार्ड बॉय को पैसे दे रखे थे लता की हालत बताने के लिए उसने बताया कि लता मर चुकी है मुझे अर्चना पे बहुत गुस्सा आया साहब उसी की वजह से हुआ था मैंने सोचा कि अब उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा ये रुको अरे अंकल क्या हुआ अरे कुछ नहीं बीमार थी थोड़ी सी बेहोश जैसी हो गई है हा? चलो रुको ये रुको डॉक्टर का घर आ गया बस दे बेटा डॉक्टर का घर आ गया हाँ हम लोग उतर रहे हैं अभी भाई साहब ये लो बस बाकी रख लो हाँ मैं उतर जाता हूँ अच्छा अर्चना से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया वजह कोई भी हो क्राइम होता है किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना सबूतों को मिटा देना पुलिस को गुमराह करना ये सब क्राइम है और इसके लिए सजा तो भुगतनी पड़ेगी चल चले मैडम देशमुख यस सर राखी का केस तो सॉल्व हो गया अब हमें सुनंदा को जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि वो अभी एक क्रिमिनल है और मनीषा का कातिल भी अब तक पकड़ा नहीं गया यस सर पर आखिरकार पुलिस ने राखी की मौत की गुत्थी सुलझा ही ली अब अगली चुनौती ये थी कि सुनंदा उसकी बच्ची और अनुपमा कहाँ थे और क्या मनीषा के कत्ल से इनका कोई ताल्लुक था या नहीं और अगर था तो क्या मकसद हो सकता था इस कत्ल का सर सुनंदा को वाशी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है वो उसे यहां लेकर आ रहे हैं वाशी पुलिस को फोन आपने किया था जी सर ये मेरे घर पैसे मांगने आई थी लेकिन प्लीज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे सामने प्लीज मुझे पैसे दे दो अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो वो डायन मेरे बच्चे को मार डालेगी प्लीज मुझे पैसे दे दो प्लीज ये क्या कह रहे हो तुम क्या ये सब और तुम्हारा बच्चा इन्हें नहीं पता था सर कि मेरी एक बच्ची भी है लेकिन तुम्हारी माँ अपनी ही नातिन को क्यों मारेगी वो मेरी माँ नहीं है सर वो सास है मेरी 16 साल पहले उसके बेटे के साथ मेरी शादी हो गई थी शादी के कुछ दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई मेरी सास उसकी मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती थी और उस गिल्ट में मैं मेरे सास के हाथ की कठपुतली बन गई सर वो मेरी शादी कराती थी और वहाँ से पैसे चुरा कर हम कहीं और भाग जाते थे सर पर मैं दीपक से सच में प्यार करती थी हमारी एक बच्ची भी है और उसी बच्चे को मेरी सांस लेकर भाग गई है सर बस अब बहुत हो गया मैं जतिन से पैसा मांगने नहीं जाऊंगी तुम चाहे जो कर लो मैं नहीं जाऊंगी तू तो सर के बल चल कर जाएगी अरे बच्चा मुझे दे अरे क्या कर रहे हो माजी अरे पैसा लेकर आ और अपनी बच्ची ले जा और जब तक पैसा लेकर नहीं आती तेरी बच्ची मेरे पास रहेगी जब इसने ये सब मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए अगर ये उस औरत के साथ होती तो मुझे फोन करने नहीं देती मुझे लगता है ये सच बोल रही है सर इसकी बच्ची को ढूंढिए प्लीज
हेलो माँ जी, मैं बात कर रही हूँ। अरे ये जतिन का फोन तेरे पास कैसे आया? जी वो माँ जी, जतिन पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, मैंने उसे मार डाला और उसका फोन उठा ले आई ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। माँ जी कहाँ है आप और मेरी बच्ची कैसी है? बंद कर ये झूठी कहानी बनाना। मैंने तुझे और जतिन को पुलिस के साथ देखा है और श्याणी बन रही है ना तू, है ना? अब देख मैं तेरी इस बच्ची का क्या हाल करती हूँ। अरे बाजार में बिठाऊंगी इसे। जितना नुकसान तूने मेरा किया है ना, एक एक पाई वसूल करूंगी इससे। माजी मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो माजी, माजी मेरी बच्ची, माजी। देशमुख, इसका मोबाइल ट्रैकिंग बिठा। यस सर। बोलो देशमुख। अनुपमा और वो बच्ची जिस गाड़ी में है वो आपकी गाड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सर 500 मीटर की दूरी पर है वो गाड़ी। सर राइट लीजिए। राइट राइट आगे सर राइट। सर फर्स्ट लेफ्ट। सर अभी 100 मीटर की दूरी पर वो गाड़ी है। सर 20 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी के सामने जो गाड़ी है उसी में ही अनुपमा और वो बच्ची है। टेक्निशियन लता बाबू। बाकी सारे सवाल तो हल हो चुके हैं, अब तू बस ये बता मनीषा को क्यों मारा? आराम से बता देगी तो अच्छा होगा। जब सुनंदा ने मुझे बताया कि राजेश की फैमिली हमारा पीछा कर रही है तो हमने भागने का फैसला किया। हम किसी दूसरी जगह जाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते थे और उसके लिए सुनंदा को मारने का नाटक करना जरूरी था। इसीलिए मैंने कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की पे नजर रखी और मैं नहीं जानती थी कि इसने किसी लड़की का खून भी किया है। मनीषा के खून के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन बाकी के सारे क्राइम तो तूने इसके साथ मिलके किए ना। डर के करो या मजबूरी में, क्राइम क्राइम होता है। ये तो सारी उम्र जेल में काटेगी, अब सजा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। और कुछ अंदाजा है ये बच्ची जो तुम दोनों के बीच में पिस गई, जिसका कोई कसूर नहीं? सुनंदा पर अनुपमा का जालसाजी में साथ देने के लिए, अनुपमा पर जालसाजी और हत्या के लिए, सुधाकर पर पुलिस को गुमराह करने के लिए और दीपक पर रिश्वत और आय से ज्यादा संपत्ति के केस में मुकदमा चल रहा है। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके दहेज प्रताड़ना और उसकी वजह से लड़कियों की हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुराई का जवाब बुराई से देने की सोच से केवल अपराध पनपता है जो सिर्फ जेल की काली दीवारों तक ले जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद।